और ट्रैफिक पुलिस पटना तुम्हारे अंदर है दम, तो इन गाड़ियों का चालान काट के दिखाइए। प्रधान सेवक प्रधानमंत्री की गाड़ी में नंबर प्लेट हो सकता है, तो पटना नगर निगम की गाड़ी में नंबर प्लेट काहे नहीं हो सकता है। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना नगर निगम की दादागिरी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वही दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये पटना नगर निगम की कबाड़ गाड़ियाँ हैं, कबाड़ क्या ये चलती है, लेकिन किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चलिए नंबर प्लेट छोड़िए, ये लोग पार्किंग रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी किए हुए हैं, यानी आम आदमी की अगर गाड़ी रोड पर खड़ी कर दी जाए तो उसे ट्रैफिक वाले टांग कर क्रेन से ले जाएंगे और उनका चालान कर देंगे। और उसको भी छोड़ दीजिए तो इनकी दादागिरी, ये देखिए कि इनकी एक भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। ये गाड़ी नंबर नया गाड़ी है, इधर दिखाइए विशाल जी, ये नई गाड़ी है और टाटा की पटना नगर निगम की, ये नूतन राजधानी अंचल की गाड़ी है, लेकिन आगे नंबर प्लेट गायब है, पीछे नंबर प्लेट गायब है, इसको दिखाइए, इसमें भी पीछे नंबर प्लेट गायब है। और ट्रैफिक की बात करता हूं मैं, पार्किंग की बात करता हूं, तो ये रोड पर पार्किंग लगी है। देखिए उधर पटना नगर निगम का दफ्तर है, कुछ गाड़ियां कबाड़ उधर खड़ी हैं जिनमें नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये सारी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में और इसके बाद बिना नंबर प्लेट की खड़ी है। अब बताइए इसका दोषी कौन? आम आदमी की गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो तो उसका चालान कर दिया जाता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना हो तो उसका चालान कर दिया जाता है, रोड पर किसी भी की गाड़ी खड़ी कर दी जाए 2 मिनट के लिए तो उसका चालान कर दिया जाएगा, लेकिन इनका चालान कब होगा? ये देखिए एक और गाड़ी है, ये इसको दिखाइए, इसमें चलिए नंबर प्लेट है लेकिन इसमें नंबर प्लेट गायब है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 200 मीटर दूर तक नंबर प्लेट गाड़ियों में गायब है, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं नो पार्किंग जोन में खड़ी हैं, तो ट्रैफिक पुलिस, देखिए ये गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ पटना ट्रैफिक पुलिस के, कि अगर तुम्हारे अंदर है दम तो इन गाड़ियों का चालान करके दिखाइए, क्योंकि ना इनके अंदर नंबर प्लेट है और ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी हैं यानी रोड के ऊपर, लेकिन पटना पुलिस ट्रैफिक पुलिस के अंदर दम नहीं है कि इस गाड़ी का चालान कर दें, क्योंकि ये नगर निगम पटना की गाड़ी है और नगर निगम कहीं ना कहीं अपने आप को बाप समझता है। मैं बिहार के हर एक जिले में जाता हूं और नगर निगम की गाड़ियों को दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए इसमें भी नंबर प्लेट गायब है। मैं हर एक जिले में जाकर नगर निगम की काली करतूत दिखाने का प्रयास करता हूं और सब में यही स्थिति होता है कि गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं होता और सारी गाड़ियाँ रोड पर धड़ल्ले से चलती हैं, किसी का भी चालान नहीं काटा जाता है। और ये देखिए इसमें भी नहीं है, लेकिन जब राजधानी पटना का ये हाल है तो और जिलों का क्या हाल होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये देखिए गाड़ी निकल आई है, रजिस्ट्रेशन पता नहीं हुआ है या नहीं, लेकिन नंबर प्लेट नहीं है। और ये देखिए ये एक गाड़ी है, ये नंबर प्लेट है इसमें, लेकिन इसमें ये रोड पर बाकायदा रोड पर खड़ी है और एक्सीडेंट भी हो सकता है इन गाड़ियों की वजह से, बाइक सवार का, ऑटो सवार का, कार सवार का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पटना नगर निगम, आपकी गाड़ियां नो ट्रैफिक जोन में खड़ी हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए एक दो गाड़ी में आपके नंबर प्लेट है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारी गाड़ियां आधा किलोमीटर दूर की परिध में नो पार्किंग जोन में खड़ी है, पूरा का पूरा आधे रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो? अब देखिए एक गाड़ी वहां पर खड़ी है, ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बड़ी बड़ी बातें हैं और इसको ध्यान नहीं दिया जाता है। और नगर निगम की यही काली करतूत मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ये गलत है सरासर। और ट्रैफिक पुलिस पटना तुम्हारे अंदर है दम, तो इन गाड़ियों का चालान काट के दिखाइए, लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है। बताइए एक गाड़ी वो जा रही है नगर निगम की, उसमें भी चालान काटिए, उसका तुम्हारे अंदर दम है तो? एक भी नंबर प्लेट नहीं है उन गाड़ियों में। और ये पटना नगर निगम के सामने खड़ी हैं गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस ये पटना नगर निगम दफ्तर के सामने खड़ी हैं, तुम काहे नहीं चालान काट रहे हो? तुम्हें जगह नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, इन गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है, रोड पर खड़ी है, नो ट्रैफिक में खड़ी है। चाचा ये बताइए
इन गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है, इनका चलान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं ना, एकदम पुलिस नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस, ये अपने आप को नगर निगम वाले दादा समझते हैं ना, इसीलिए गलत है। अभी मेरी गाड़ी वो खड़ी है रोड पर, तो ट्रैफिक पुलिस आके चलान कर देगी एकदम, और इनका नहीं करेगी, ये पूरा इनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन इनको होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को नंबर होना चाहिए, इनको क्या चीज है? जब देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री की गाड़ी में नंबर प्लेट हो सकता है, तो पटना नगर निगम की गाड़ी में नंबर प्लेट काहे नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही मैं डंडे की चोट पर खड़ा होकर मैं पूछ रहा हूँ कि इस गाड़ी में नंबर प्लेट काहे नहीं है, और जितनी गाड़ियां मैंने दिखाई उस गाड़ी में नंबर प्लेट काहे नहीं है? तो पटना के DM साहब, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आपके अंदर है दम, और ट्रैफिक पुलिस SP साहब, आपके अंदर है दम, तो इन गाड़ियों का नंबर प्लेट करके दिखाइए। एक गाड़ी नहीं, 20 से 25 गाड़ी मैंने दिखाई है, और उस तरफ भी दिखाई है, लेकिन एक भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नगर निगम की तरफ से होता है, और उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और यही दुर्भाग्य। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।